चीन में फैली नई बीमारी से एक बार फिर दुनिया डरी हुई है। इस डर की वजह भी है, चीन के कुछ शहरों में अस्पतालों में मरीजों की भीड़ जुटी है। उसके बाद भी चीन जिस तरह जानकारी छिपा रहा है, उससे संदेह ही पैदा होता है। खबरों के मुताबिक अब तक 77,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके। तेजी से फैलती इस बीमारी की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं, अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, लोग इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। WHO ने चीन से इस बीमारी को लेकर ज्यादा जानकारी मांगी थी। चीन की ओर से मिली जानकारी की स्टडी के बाद इस बीमारी की गंभीरता को लेकर WHO ने कुछ जरूरी बातें कही हैं। WHO का कहना है कि अब तक इस बीमारी के बारे में असामान्य कुछ भी पता नहीं चला, कोई नया वायरस भी नहीं मिला है। WHO से मांगी रिपोर्ट में चीनी अधिकारियों ने कहा था कि उन्हें किसी नई बीमारी के संकेत फिलहाल नहीं मिले हैं। उनका कहना है कि सांस संबंधी समस्या इसलिए बड़ी है क्योंकि COVID-19 को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन की पाबंदियां हटाए जाने के बाद अक्टूबर से ऐसे केस बढ़े हैं। हालांकि इसके बाद भी चीन में लोगों को सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। चीन में सर्दी भी बढ़ी है, लिहाजा खतरा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। इसी बीमारी से बच्चों में ना तो कफ की शिकायत है और ना ही कोई लक्षण है, बस बच्चों को तेज बुखार है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लियोनिंग प्रांत में हालात खराब हैं। फिलहाल इस कथित रहस्यमय निमोनिया के ओरिजिन के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। इस बीमारी को लेकर डरने की वजह ये भी है कि चीन ने कोरोना के दौरान जानकारी छिपाई थी। ऐसे में संदेह उठता है कि चीन कहीं नई बीमारी के बारे में कुछ छिपा तो नहीं रहा। सवाल ये भी उठ रहा है कि WHO को इस रहस्यमय बीमारी को लेकर जो जानकारी दी है वो कितनी सही है, ये कहना मुश्किल है। हालांकि कुछ विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई शहर के कुछ लोगों ने कहा कि बीमारी गंभीर जरूर है, लेकिन उसकी लहर को देखकर वो ज्यादा चिंतित नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगी। इधर भारत सरकार ने भी कहा कि चीन की इस बीमारी पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल अभी कोई गंभीर संकेत नहीं है। चीन में फैल रही इस रहस्यमय बीमारी के हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।